तो आज प्रश्नावली 8.2 देखते हैं, ठीक ना। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर एक। इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित के मान निकालिए, ठीक ना। इसमें 5 सवाल दिए हुए हैं। पहला लिखा है, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, ठीक ना। तो इनका मान देखना है, तो टेबल पर इसके पीछे के पन्ने पर दिया हुआ है इसका मान, ठीक ना। तो इसका सबका मान देख देख कर इसका मान रखना है और इसको याद कर लेना है, ठीक ना। तो देखिए इसका याद करिएगा, ये टेबल दिया हुआ है, 0, 30, 45, 60, 90 पर साइन कॉस 10 कॉसेक सेक और कॉट का दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसमें याद करके इसका मान रखते चलिए, 2 दिन 4 दिन याद करिए, आप इसका मान अपने आप स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा, ठीक ना। तो देखते हैं इसको, तो देखिए सबसे पहले साइन इसको हल कैसे करते हैं, तो साइन 60 का मान देखते हैं। तो साइन 60 का मान करनी 3/2, ठीक ना, गुणे कॉस 30 का मान, तो कॉस 30 का मान करनी 3/2 होता है, प्लस साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान भी 1/2 होता है, ठीक ना। इसको हल करते हैं, करनी 3 का गुणा करनी 3 में करेंगे तो 3 प्राप्त हो गया, 2 दुनी 4 हो गया, प्लस 1 1 1/2 2 दुनी 4। अब चूंकि हर बराबर है, एक बार लिखते हैं यहाँ पर और ऊपर वाला ऐसे जोड़ देते हैं, 3 + 1 = 4/4। तो 4 के पाड़ा से एक बार में कट गया तो 1 उत्तर आ गया, ठीक ना। ये पहला भाग हो गया। दूसरा भाग देखते हैं, 2 tan² 45 + cos² 30° - sin² 60° ठीक ना। तो इसका मान रखते हैं इस पर, तो देखिए 2 और 10 45 का मान 1 का होता है तो 1 स्क्वायर हो गया, कॉस 30 का मान करनी 3/2 और पूरे के घात 2 हो गया, वर्ग है, तो माइनस साइन 60 तो ये हो जाएगा करनी 3/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा देखिए 2 × 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, प्लस करनी 3 का वर्ग 3 और 2 का 4, माइनस ये भी ये चीज़ लिखा हुआ है 3/4, तो देखिए तो कट जाएगा, ये आया 2 1 2 आ गया, ठीक ना। तीसरा भाग देखते हैं यहीं पर, तो तीसरा भाग में लिखा है, cos 45 / sec 30 + cosec 30°, ठीक ना। तो देखिए इसमें लिखते हैं, कॉस 45 का मान 1/2 करनी 2 होता है तो यहाँ लिख दिया, बटे देखिए सेक 30 लिखा हुआ है, सेक 30 का मतलब कॉस 30 का उल्टा है ना, तो कॉस 30 का मान करनी 3/2 होता है तो हो जाएगा 2/3 करनी 3 उल्टा हो जाएगा, और कॉसेक लिखा है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन 30 1/2 होता है तो इसका 2/1 हो जाएगा, बराबर 1/2 करनी 2, अब ये मेन बटा है, इसके बटे में 2/1 का मतलब 2 हुआ है ना। अब लिखते हैं 2 प्लस, देखिए इसके बटे में कुछ नहीं हो इसका गुणा इसमें सीधे कर दिया जाता है, तो लिखेंगे 2 करनी 3, अब पूरे के बटे ये 3 हो गया, ठीक ना। अब इसके में देखिए बटे के ऊपर भी बटा है, बटे के नीचे भी बटा है, तो बाहर बाहर गुणा करेंगे, तो इस प्रकार करनी 3 1 करनी 3 बटे, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो लिखेंगे करनी 2 और कोष्टक में 2 + 2 करनी 3, है ना। इनको पहले इनको एक साथ लिख लिया, अब इसमें देखिए 2 उभयनिष्ठ है, 2 उभयनिष्ठ कर लेंगे तो करनी 3/2 करनी 2 और इसमें से 2 भी निकाल लेंगे तो ये बचेगा 1 और यहाँ बचेगा करनी 3, ठीक ना। तो अब इसका परिमेयकरण कर लेंगे, तो नीचे देखिए करनी 2 है और यहाँ 1 + करनी 3 है, तो जब परिमेयकरण करेंगे तो इसमें नीचे का करनी हट जाएगा, तो देखिए परिमेयकरण कैसे करेंगे, करनी 3 जो लिखा उसको लिख लेते हैं,
इसको हम लिख सकते हैं कर्णी तीन प्लस वन लिख सकते हैं, है ना, प्लस में है तो स्थान बदल सकते हैं। तो कर्णी तीन प्लस वन किया, अब देखिए यहाँ कर्णी दो है तो यहाँ मैं कर्णी दो गुणा कर देता हूँ और नीचे भी कर्णी दो गुणा करूँगा, ठीक है। तो परिमेयकरण कर्णी दो का हो गया, अब कर्णी तीन प्लस वन का करेंगे तो लिखेंगे कर्णी तीन माइनस वन बटे कर्णी तीन माइनस वन, है ना, परिमेयकरण करते हैं तो सेम चीज़ ही रहता है, बस चिन्ह बदल कर आता है। तो कर्णी तीन माइनस एक, कर्णी तीन माइनस एक किया। अब इसके बाद यहाँ लिख देते हैं, देखिए कर्णी दो का गुणा कर्णी तीन में करेंगे तो ये आएगा कर्णी छः और ये है कर्णी तीन माइनस एक बटे, अब देखिए दो ये रखा है, कर्णी दो गुणे कर्णी दो, दो हो जाएगा, कर्णी दो गुणे कर्णी दो, दो और दो दूनी चार, तो ये चार हो गया। अब देखिए x प्लस वाई, यक्स माइनस वाई, तो इसका फॉर्मूला क्या लग जाता है, लिखेंगे x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो इसका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, है ना। तो देखिए यहाँ x ये रहा और ये y है, तो लिखेंगे कर्णी तीन का वर्ग माइनस एक का वर्ग, ठीक ना, ये x ये y, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक ना, तो ये लिख लिया और इसका गुणा अंदर कर देंगे और इसका गुणा इसके, तो छः त्रिक अठारह माइनस कर्णी छः एक कम कर्णी छः बटे ये चार लिखा हुआ है, इसके अंदर देखिए कर्णी तीन का वर्ग तीन माइनस एक का वर्ग एक ही प्राप्त होता है। अब देखिए कर्णी अठारह को ले सकते हैं, देखिए कर्णी अठारह को ले सकते हैं, दो तिहाई छः त्रिक अठारह, है ना, कर्णी अठारह को ले सकते हैं इस प्रकार, चूँकि वर्गमूल में है तो दो ये तीन का जोड़ा बना तो तीन बाहर आ जाएगा तो ये बचेगा और कर्ण दो अंदर रह गया तो कर्णी दो हो गया, तो तीन कर्णी दो हो गया, इस कर्णी अठारह को हम ले सकते हैं तीन कर्णी दो और माइनस कर्णी छः बटे ये चार गुणे तीन में एक गया तो दो बराबर तीन कर्णी दो माइनस कर्णी छः बटे आठ, तो इस प्रकार ये प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक है। तो चौथा भाग देखते हैं इसमें, तो देखिए चौथा भाग में लिखा है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, ठीक ना, तो इसको हल कर लेते हैं। देखिए साइन 30 का मान कितना होता है एक बटे दो, ठीक ना, प्लस टेन 45 का मान एक माइनस, देखिए कॉसेक लिखा हुआ है, कॉसेक का मतलब साइन 60 का मान अगर ज्ञात हो जाए तो उसका व्युत्क्रम कर देंगे तो कॉसेक 60 का मान आ जाएगा, ठीक ना, तो साइन 60 का मान कितना होता है कर्णी तीन बटे दो, इस प्रकार कॉसेक 60 का हो जाएगा दो बटे कर्णी तीन, उलट के लिख देंगे यहाँ पर, ये हो गया बटे सेक 30 लिखा हुआ है, इसका मतलब कॉस 30 का मान ज्ञात हो जाए तो इसका उल्टा करके यहाँ लिख लेंगे, ठीक ना, सेक का कॉस उल्टा होता है तो कॉस 30 का मान होता है कर्णी तीन बटे दो, तो हो जाएगा दो बटे कर्णी तीन हो गया, प्लस कॉस 60 का मान एक बटे दो प्लस कॉट 45, देखिए टेन 45 कॉट 45 का वैल्यू सेम होता है तो ये हो गया वन, ठीक ना। अब इसका लघुत्तम लेते हैं, तो देखिए इसको कैसे लघुत्तम लेंगे, देखिए अब देखिए इस ये रहा पूरा अंश है, ये इस मेन बटा के ऊपर अंश है और मेन बटा के इधर ये सब पूरा हर है, तो पहले अंश का लघुत्तम लेके हल करेंगे फिर हर का लघुत्तम लेके हल करेंगे। देखिए इसके बटे हम यहाँ एक लिख लेते हैं, ठीक, तो अब देखिए इसमें दो एक और कर्णी तीन है ना, दो एक कर्णी तीन, अगर इसका हम लघुत्तम लें तो ये आएगा दो कर्णी तीन आएगा, ठीक ना, दो कर्णी तीन लघुत्तम हो गया। अब लघुत्तम हो गया तो इसको क्या करते हैं, इस लघुत्तम में पहले इससे भाग करते हैं,
ठीक ना, नीचे वाले का पहले इससे भाग करते हैं और जो भी उत्तर आता है उसका ऊपर वाले में गुणा करते हैं। तो देखिए भाग करते हैं तो हम यहाँ एक बार लिख के दिखा देते हैं। देखिए दो करनी तीन में अगर हम पहले दो का भाग करें तो ये कट के करनी तीन बचेगा, है ना। जो बच जाता है, जो आता है भाग देने के बाद, उसका ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देते हैं। तो करनी तीन का गुणा अगर एक में करेंगे तो करनी तीन एक कम, करनी तीन प्राप्त हुआ, ठीक ना। इसी प्रकार आगे देखिए, दो करनी तीन में अगर एक का भाग करेंगे, ठीक ना, आप इसको नीचे मत देखिए, पहले आप ऊपर ही देखिएगा। तो पहले दो करनी तीन में अगर एक का भाग करूँ मैं, दो करनी तीन भागे एक, तो अगर एक से भाग देंगे तो वही दो करनी तीन ही प्राप्त हो गई। अब दो करनी तीन का गुणा जो आंसर आया उसका ऊपर वाले में गुणा करते हैं, तो दो करनी तीन एक कम, दो करनी तीन हो गया माइनस। अब देखिए दो करनी तीन में करनी तीन से भाग देंगे, अब दो करनी तीन में करनी तीन से भाग देंगे, तो इस प्रकार करनी तीन कट गई, दो बच गया, जो बच गया उसका ऊपर वाले में गुणा कर देते हैं, तो दो दूनी चार हो गया, ठीक ना, ये मेन बटा है। अब देखिए इसमें भी यही काम इसमें भी करेंगे, हर का आप देखेंगे, ऊपर को अब नहीं देखेंगे, बटे एक कर लेते हैं। देखिए एक दो और करनी तीन का लघुत्तम लेंगे तो ये आएगा दो करनी तीन, ये लघुत्तम हो जाएगा, ठीक ना, जैसे ऊपर इसका ये भी हो गया। अब देखिए ये काम फिर करेंगे, दो करनी तीन में अगर तीन करनी तीन का भाग करे, देखिए दो करनी तीन में अगर करनी तीन का भाग करेंगे तो दो प्राप्त होगा, और दो का गुणा जो प्राप्त होता है उसका ऊपर वाले में यहाँ गुणा कर देते हैं, तो दो दुनी ये चार प्राप्त हुआ। इसी प्रकार दो करनी तीन में दो से भाग करेंगे, अब तो देखिए दो करनी तीन में दो से भाग किया है तो करनी तीन प्राप्त हुआ है, उस करनी तीन का गुणा एक में करेंगे, है ना, नीचे वाले का भाग ऊपर जो प्राप्त होता है उसका ऊपर वाले में गुणा करते हैं, तो करनी तीन एक कम, करनी तीन प्लस। अब देखिए दो करनी तीन में एक से भाग देंगे, तो देखिए दो करनी तीन में एक से भाग दिया तो दो करनी तीन ही प्राप्त हुआ, और दो करनी तीन एक कम तो दो करनी तीन प्राप्त हो गया, ठीक ना। तो इस पर इतना हो गया। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ दो करनी तीन और एक करनी तीन और मिल गया, तो दो करनी तीन है ही, एक करनी और मिल गया तो तीन करनी तीन हो गया, ये तीन करनी तीन माइनस चार बटे ये दो करनी तीन लिखा हुआ है, मेन बटा ये हो गया। अब देखिए यहाँ भी दो करनी तीन है और एक करनी तीन और मिल गया, तो दो और एक तीन करनी तीन हो गया, और ये प्लस फोर है तो प्लस फोर लिख लिया बटे दो करनी तीन। तो देखिए इसका हर भी दो करनी तीन है और इसका हर भी दो करनी तीन है, तो इसको ऐसे भी काट सकते हैं। तो देखिए जो प्राप्त हुआ उसको लिख लेते हैं, तो ये प्राप्त हुआ तीन करनी तीन माइनस चार बटे तीन करनी तीन प्लस चार, ठीक ना, ये प्राप्त हो गया। अब इसका हम परिमेयकरण करेंगे, तो परिमेयकरण क्या होता है, इसी को लिखेंगे बट सिंबल प्लस है तो माइनस लिखेंगे बस, तो ये हो गया तीन करनी तीन माइनस चार हो गया, है ना, प्लस है तो माइनस के संग ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो देखिए अब ऊपर देखें तो देखिए तीन करने तीन माइनस चार, तीन करने तीन माइनस चार, दो बार आ गया सेम चीज़ का, तो इसको घात दो भी लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार तीन करने तीन माइनस चार के घात दो लिख लिया, है ना, इसको दो बार लिखेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। अब नीचे वाले में देखिए यक्स प्लस वाई यक्स माइनस वाई, है ना, एक यही दोनों कोष्टक में सेम चीज़ लिखा हुआ है, मगर एक बार प्लस में लिखा है और एक बार माइनस में लिखा है, तो इसके लिए सूत्र लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर होता है यक्स प्लस वाई और यक्स माइनस वाई बराबर क्या होता है, यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, है ना। तो देखते हैं ये यक्स और ये वाई है, तो लिखेंगे तीन करनी तीन का स्क्वायर माइनस चार का स्क्वायर, है ना, वाई का स्क्वायर लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए ये यक्स माइनस वाई का होल पावर टू, है ना, तो इसमें फॉर्मूला लगा लेते हैं, इसको भी लिख देते हैं। देखिए इसके लिए लगेगा यक्स माइनस वाई के पावर टू का फॉर्मूला, यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई होता है। तो देखिए यहाँ जहाँ मिलेगा यक्स वहाँ पर थ्री करनी तीन रखेंगे और जहाँ वाई है वहाँ चार रख देंगे। तो देखिए इसमें रखते हैं
तो हो जाएगा पहले एक्स स्क्वायर है तो लिखेंगे तीन कर्णी तीन के घात दो प्लस वाई स्क्वायर मतलब चार का स्क्वायर माइनस दो गुणे यक्स गुणे वाई, तो ये हो गया यक्स तीन कर्णी तीन गुणे ये चार ये वाई हो गया बटे। अब देखिए तीन कर्णी तीन इसका स्क्वायर करना है तो देखिए हम यहाँ लिख देते हैं तीन कर्णी तीन का स्क्वायर कैसे होता है, तो लिखते स्क्वायर का मतलब होता है कि यही चीज़ दो बार लिखा जाए, तो हम यहाँ इसको दो बार लिख दिए। अब फिर देखिए अंकों अंकों गुणा कर लिया तीन त्रिकाई नौ है ना, तीन त्रिकाई नौ और कर्णी तीन का कर्णी तीन में करेंगे तो तीन आ जाएगा, तो हो गया तीन, तो हो गया नौ त्रिक सत्ताईस प्राप्त हुआ है ना। यहाँ लिखते हैं सत्ताईस माइनस चार चौक सोलह। अब देखिए तीन कर्णी तीन का स्क्वायर हमने किया था सत्ताईस प्राप्त हुआ था, तो यहाँ भी हम सत्ताईस लिख सकते हैं, तो हो गया सत्ताईस प्लस चार चौक सोलह माइनस। अब देखिए इसमें जितनी भी अंक हैं उनको गुणा कर लीजिए, तो दो तिहाई छः छः चौक चौबीस, तो हो गया चौबीस कर्णी तीन बटे सत्ताईस में सोलह घटा लीजिए, सात में छः गया एक, दो में एक गया एक। अब इसको जोड़ लेते हैं इनको, तो छः सात तेरह हासिल एक और दो तीन एक चार माइनस चौबीस कर्णी तीन बटे ग्यारह। तो इस प्रकार ये प्रश्न का हल हो गया। अब पांचवा भाग देख लेते हैं। देखिए पांचवा भाग में है फाइव कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस फोर सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री ठीक ना, बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है ना। अब इसका मान ज्ञात कर लेते हैं, इस पर पहले मान रखते हैं, तो देखिए इसे मान रखेंगे तो जाएगा पाँच गुणे कॉस 60 की वैल्यू 1 बाई टू है ना, एक बटे दो का स्क्वायर प्लस चार गुणे सेक 30 का मान, मतलब कॉस 30 का मान कितना होता है, तो कॉस 30 का मान कर्णी तीन बटे दो होता है, तो यहाँ पर उलट के लिख देंगे तो दो बटे कर्णी तीन हो गया ये स्क्वायर माइनस टेन 45 का मान एक होता है, यहाँ एक लिख लेते हैं बटे देखिए साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान एक बटे दो होता है प्लस कॉस 30 का मान कर्णी तीन बटे दो होता है। अब इसको हल करते हैं पाँच गुणे एक बटे चार है ना, एक एक बटे दो का वर्ग करेंगे तो एक बटे चार हो गया प्लस चार गुणे दो का वर्ग चार कर्णी तीन का वर्ग तीन माइनस एक बटे एक बटे चार है ना, एक बटे दो का वर्ग एक बटे चार प्लस कर्णी तीन का वर्ग तीन दो का वर्ग चार हो गया, ये आया पाँच बटे चार और ये आया चार चौक सोलह बटे तीन और ये माइनस एक बटे। देखिए हर बराबर है तो एक बार चार लिखकर इनको जोड़ लेंगे तो वन प्लस थ्री आ गया। अब देखिए इनके हर का इसका पहले हल कर लेंगे, तो चार है तीन है यहाँ बटे एक लिख लेते हैं हम ठीक ना, तो इसका चार और तीन का लघुत्तम ये बारह आ जाएगा है ना, यही लिख लेते हैं, तो ये चार तिहाई बारह, तो ये हो गया बारह। अब क्या करेंगे देखिए पहले बारह लघुत्तम में पहले इसका भाग करते हैं, तो बारह में अगर चार का भाग देंगे तो चार तिहाई बारह तीन आया, तीन का जो भी प्राप्त होता है उसका ऊपर वाले में गुणा करते हैं, तो तीन प्राप्त हुआ तो तीन का गुणा पाँच में करेंगे तो तीन पचे पंद्रह ठीक ना प्लस। अब फिर बारह में तीन से भाग करेंगे तो बारह में तीन से भाग करेंगे तो तीन चौक बारह तो चार आया, तो चार गुणा सोलह करेंगे तो सोलह चौके चौंसठ आया माइनस। देखिए अब बारह में एक से भाग देंगे तो बारह ही प्राप्त होगा और बारह एक कम बारह प्राप्त हुआ, ये हो गया बटे ये देखिए आया तीन और एक चार आया, तो ये हो गया चार बटे चार, इसका मतलब चार एक कम चार, चार एक कम चार मतलब बटे एक हो गया, मतलब ये समाप्त हो गया। अब इसको लिख लें पाँच चार नौ और छः एक सात माइनस बारह बटे बारह, तो इसको घटा लेते हैं तो हो गया सात और सात में एक गया छः बटे ये बारह, तो इस प्रकार ये प्रश्न का हल हो गया।
प्रश्न नंबर दो, इसमें लिखा है निम्न सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। देखिए पहला प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रकार का प्रश्न है ये, 2 tan 30 degree बटे 1 plus 10 square 30, है ना। इसमें चार विकल्प दे रखे हैं, तो हम इसको पहले हल करते हैं। तो देखिए चार विकल्प हैं, उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर। साइन 60 degree, कॉस 60 degree, सी टेन 60 degree, डी साइन 30 degree, ठीक ना। तो इसको पहले हल कर लेते हैं। 2 और 10 30 का मान होता है 1/3 बटे 1 plus और 10 30 का 1/3 के घात 2, तो ये हो जाएगा 2/3 बटे 1 plus 1 का वर्ग 1 3 का वर्ग 3। तो फिर इसको हल करेंगे, 2/3 बटे, देखिए 3 एकम 3 1 4, तो हो गया 4/3, है ना। 3 एकम 3 और 1 4, देखिए बाहर बाहर गुणा होता है, अंदर अंदर गुणा होता है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 3 दूनी 6/, ये हो गया 4 3 हो गया, ठीक ना, 3 दूनी 6। अब ये 2 के पहाड़ा से 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, ये कट गया। इस प्रकार आया 3/2 3 आया, ठीक ना। इस 3 का परिमेयकरण कर सकते हैं, देखिए 3/3, है ना। तो ये हो जाएगा 3/3, देखिए 3 3 3 3 और 3 दूनी 6 हो गया ये, है ना। 3 3 3 3, है ना, और 2 तो 3 दूनी 6, इस प्रकार 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो देखिए 3/2 प्राप्त हुआ, है ना। अब 3/2 किसका मान होता है, तो 3/2 ये होता है साइन 60 degree का मान होता है या कॉस 30 degree का मान होता है, है ना। तो जो भी विकल्प में दिया हो, या तो साइन 60 या कॉस 30, वो अपना आंसर हो जाएगा। तो देखिए साइन 60 है, तो इस प्रकार इसका साइन 60 विकल्प में ए हो गया, ठीक ना। इसी प्रकार दूसरा भाग देखते हैं। देखिए सेकेंड भाग में है, 1 minus 10 square 45 बटे 1 plus 10 square 45, ठीक ना। तो इसमें विकल्प दिया है 10 90 और बी 1 sin 45 और डी 0 दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसको हल कर लेते हैं। देखिए 10 45 का मान होता है 1, तो 1 का वर्ग हो गया 1 plus 1 का वर्ग, 1 में से ये देखिए 1 का वर्ग 1 होता है और 1 का वर्ग 1 होता है, 1 में से 0/2, 1 1 2, तो 0/2 कुछ भी हो तो 0 प्राप्त होता है। इस हिसाब से ये डी वाला विकल्प सही हो गया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा है थर्ड, sin 2a = 2 sin a लिखा हुआ है, है ना। और इसमें विकल्प दिया हुआ है, ए विकल्प है 0 degree, बी दिया है 30 degree और सी दिया है 45 degree और डी दिया है 60 degree, ठीक ना। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या करिए, जो भी विकल्प में दिया है ना उसी को यहाँ मान रख के देख लेते हैं, और दोनों तरफ बराबर आ जाएगा तो वो ही विकल्प सही हो जाएगा। तो देखिए जैसे इसमें पहले 0 degree रख के देखते हैं, तो देखिए साइन 2 × 0, एक स्थान पर 0 degree, फिर 2 × sin 0 रख लिया यहाँ पर, ये 0 degree हो गया। अब देखिए साइन इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक ना, 0 degree हो गया। इस प्रकार ये 2 sin 0 degree। अब साइन 0 का डिग्री, साइन 0 पर कितना होता है 0, बराबर ये भी 0 साइन 0 पर 0, तो इस प्रकार ये देखिए 0 इसका गुणा इसमें करेंगे तो 0 आ जाएगा। देखिए दायां बायां पक्ष दोनों बराबर हो गया, इस प्रकार ये विकल्प सही हो गया, ठीक ना।
अब चौथा एक बचा है उसको भी देख लेते हैं। 2 10 30 बटे 1 - 10² 30 है ना। तो इसको हल कर लेते हैं, देखिए कितना इसका आंसर आता है। इसका विकल्प दे रखा है, इसको भी लिख लेते हैं, विकल्प भी लिख लेते हैं। लिखा है cos 60 डिग्री, बी sin 60 डिग्री, सी tan 60 डिग्री और डी दिया है sin 30 डिग्री। ठीक ना, तो इसको हल कर लें। मान रख लेते हैं 2 10 30 का वैल्यू 1/3, 1 माइनस फिर 10 30 का मान रख लेते हैं 1/3 का स्क्वायर, ये हो गया 2/3 बटे, इसको करेंगे तो 1 - 1/1 3 हो गया, ये हो गया 2/3 बटे 3 1 3 और 3 में 1 कम हुआ तो 2/3 आ गया। ठीक ना, 3 1 3, 3 में 1 कम हुआ तो 2/3। अब इसका बाहर बाहर गुणा करिए और अंदर अंदर गुणा करिए, इसको ले सकते हैं 2 × 3 है ना, या तो सीधे 6 भी ले सकते हैं, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो आएगा 2 * 3 आएगा, है ना, 2 * 3। ये तो कट गया, ये आया 3/3 बचा। या तो देखिए इस 3 का परिमेयकरण कर लीजिए, ऊपर नीचे 3 का गुणा कर लीजिए, या तो देखिए ये 3 है, इस 3 को मैं ले सकता हूँ 3 × 3 है ना, 3 का गुणा 3 करेंगे तो 3 वापस आ जाएगा। तो इस 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये हुआ नीचे 3 लिखा हुआ है, इसमें से 1 3 ऊपर नीचे कट गया, इस प्रकार हमको 3 प्राप्त हुआ। अब देखिए इसमें 3 किसका मान होता है, ये होता है 10 60 का, है ना, तो इस प्रकार ये 10 60 विकल्प सही हो गया। ठीक ना, तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 के सभी भाग हो गए। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए कुछ दिया हुआ है इसमें 10a + b है ना, 10a + b बराबर लिखा है 3 है ना। फिर देखिए इस को हम लिख सकते हैं a + b है ना, 10a + b बराबर 3 किसका होता है, 10 के किस मान पर होता है, तो ये होता है 10 60 के मान पर होता है। तो इस 3 को मैं 10 60 भी लिख सकता हूँ, है ना, 10 60 डिग्री हो गया। अब देखिए दोनों तरफ 10 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा a + b = 60 है ना, तो ये समीकरण 1 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार लिखा है, लिखा 10a - b बराबर 1/3 लिखा हुआ है, तो इसको भी हल कर लेते हैं। तो लिख सकते हैं 10a - b बराबर, अब 1/3 10 के किस मान पर होता है, तो इसको लिखते हैं 10 30 डिग्री पर होता है, ये है ना, तो अब 10 10 दोनों तरफ हट जाएगा, तो ये आया a - b = 30 डिग्री। ठीक ना, इस प्रकार ये 2 समीकरण प्राप्त हो गए। अब इन दोनों समीकरण को विलोपन प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, तो हम विलोपन विधि से हल कर दे रहे हैं। a + b = 60 डिग्री समीकरण 1, a - b = 30 डिग्री समीकरण 2। तो या तो घटाने पर कर लीजिए या तो जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा, तो लिख लेते हैं जोड़ने पर, देखिए जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है ना, तो चिन्ह नहीं बदलेगा तो b में से b ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक ना, तो a और a 2a आ गया बराबर 60 3 90 आ गया। अब a बराबर कितना जाएगा, 90/ ये 2 पक्षांतर कर दिया, तो 2 1 2 45, तो a का मान 45 डिग्री आ गया। अब 45 समीकरण a का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखते हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या है, a + b = 60। अब a का मान 45 वहाँ रख देते हैं,
तो लिख देंगे 45 प्लस बी बराबर 60। तो b का मान आ गया 60 माइनस 45, पक्षांतर कर दिया तो 45 50 60 ये हो गया 15 डिग्री, ठीक ना। तो ये 45 और 15, अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, ठीक ना, ये हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। देखिए 4 में लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखिए पहला लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ठीक ना, ये दिया हुआ है। तो अब इसको कैसे चेक करेंगे, तो ए और बी दो कोणों का कुछ मान रख के देखते हैं। तो लिख लिया, माना a बराबर 30 डिग्री रख लेते हैं और b बराबर 60 डिग्री रख लेते हैं, रखने के लिए कुछ भी रख दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा साइन a प्लस बी है, तो इसमें हो जाएगा साइन 30 प्लस 60 हो गया, है ना। तो साइन ये हो गया 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मान कितना होता है, ये एक होता है, ठीक ना, साइन 90 डिग्री बराबर एक होता है। अब देखिए उसका मान रख लेते हैं, साइन ए प्लस साइन बी, है ना, तो इसका रख लेते हैं साइन ए का मान कितना 30 डिग्री प्लस साइन 60, ये रख लिया। साइन 30 का मान 1/2 होता है और साइन 60 का मान करनी 3/2 होता है। इसको हल करेंगे तो हर बराबर होने कारण एक बार लिख लिया और ऊपर 1 प्लस करनी 3 लिख लिया। अब देखिए ये चीज़ इसके बराबर तो नहीं है, है ना, तो लिखेंगे इसलिए साइन ए प्लस बी बराबर नहीं है साइन ए प्लस साइन बी, है ना, तो इस प्रकार ये असत्य हुआ, है ना, गलत हो गया ये। अब देखिए सेकंड भाग देखते हैं, यहीं पर सेकंड भाग में क्या दिया है, देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, देखिए थोड़ा सा वृद्धि देखते हैं कैसे क्या होता है इसमें। साइन अगर 0 डिग्री लिखूं तो ये 0 होता है, फिर साइन 30 डिग्री लिखूं तो ये 1/2 होता है, इसका मतलब अगर दशमलव बदलें तो 0.5 होता है। और इसी प्रकार साइन 45 पर लिखें तो 1/2 होता है। देखिए इसका मान ज्ञात कर लेते हैं, तो देखिए करनी 2 नीचे लिखा हुआ है, इसको ना परिमेयकरण कर लेते हैं। तो परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर करनी 2 आ जाएगा और बटे करनी 2 आ जाएगा, ठीक ना। करनी 2 का मान लगभग 1.414 के लगभग होता है, है ना। तो अब इसको जरा भाग दे लेते हैं कितना आता है, तो 2 का पढ़ेंगे 2 × 7 = 14, 0 × 2 = 14, तो ये लगभग 707 के लगभग आ रहा है, ठीक ना। देखिए इसके आगे बहुत सारा करनी 2 का बहुत मान होता है, हमें अपना काम सेम करना, इसलिए हम लगभग 1.414 ले लिए हैं, ठीक ना। तो देखिए इसका मतलब साइन 45 का मान लगभग 0.7 के लगभग आ रहा है और इसका आया था 0.5 के लगभग आया है। अब देखिए साइन 60 का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो देखिए साइन 60 होता है करनी 3/2 होता है, करनी 3 का मान लगभग 1.732 होता है और इसको अगर 2/2 करें तो ये आएगा 0.8, 2/8 = 16, 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12। तो ये देखिए अब एक 90 पर लिख लेते हैं, तो 90 पर क्या होता है, 90 का मान एक पता ही है, टेबल में देखेंगे तो वहाँ 1 लिखा हुआ है। तो देखिए इस प्रकार जैसे जैसे थीटा का मान वृद्धि हो रहा है ना, इसके मान में भी वृद्धि हो रहा है, 0 था 0.5 आ गया, 0.7 आ गया, 0.8 आ गया, 1 आ गया, तो मान की वृद्धि के संग डिग्री जैसे जैसे थीटा की वृद्धि कर रहे हैं हम लोग, थीटा में वृद्धि कर रहे हैं तो मान में भी वृद्धि हो रहा है, ठीक ना। और इसमें क्या हुआ था कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो ये वाक्य सत्य लिखा हुआ है, तो ये सत्य हो गया। थर्ड में देखते हैं इसमें क्या लिखा है, थर्ड में इसमें लिखा है
थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखिए अगर साइन में वृद्धि हो रही है तो कॉस में भी वृद्धि होगी, नहीं इसका उल्टा होता है। फिर भी इसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए कॉस जीरो से शुरू करते हैं, कॉस जीरो डिग्री, कॉस थर्टी डिग्री, कॉस पैंतालीस डिग्री और कॉस सिक्सटी डिग्री और कॉस नाइन्टी डिग्री, ठीक ना। जैसे ये साइन चलता है उसका जस्ट उल्टा ये चलता है। तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी जाएगी, ये वन होती है और कॉस थर्टी की वैल्यू करनी तीन बटे दो होती है। इस हिसाब से इसका आया 0.866। ये हो गया 45 पर एक बटे करनी दो होता है, तो इसका मान लगभग 0.707 लिखा है। कॉस सिक्सटी की वैल्यू एक बटे दो मतलब 0.5 और कॉस 90 की वैल्यू ये शून्य हो जाती है। तो देखिए इस पर लिखा है कि अगर थीटा के मान में वृद्धि करें तो बोलता है कि कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगी, मगर यहाँ देखिए जैसे जैसे हम थीटा में वृद्धि कर रहे हैं तो मान में कमी आ रही है, ठीक ना। तो इस प्रकार ये असत्य है। आप चौथा भाग देखते हैं, यहाँ पर चौथा भाग में लिखा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो बोलता है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है और थीटा का कोई सा भी मान ले लीजिए। तो देखिए साइन थीटा के सभी मान पर ये बराबर नहीं होता है, केवल साइन ये थीटा के एक बट्टे 45 के मान पर ही, अगर थीटा का मान 45 रखें तभी इन दोनों का मान बराबर आता है। तो देखिए साइन 45 बराबर कॉस 45 बराबर एक बटे करनी दो होता है, ठीक ना। मतलब सभी थीटा के सभी मान पर थोड़ी बराबर हुआ। देखिए कॉस 30 लिखा हुआ है करनी तीन बटे दो और यहाँ लिखा है साइन 30 एक बटे दो, तो अलग अलग मान हुआ। देखिए साइन 45 पर ही एक बटे करनी दो, एक बटे करनी दो, बस इसी के मान पर ही एक बराबर होते हैं। साइन 60 लिखा है करनी तीन बटे दो और कॉस 30 लिखा है एक बटे दो, है ना। तो थीटा के सभी मान पर साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर नहीं होता, इसलिए ये असत्य हुआ। एक अंतिम भाग लिखा है उसको भी देखते हैं। ए बराबर जीरो पर, है ना, डिग्री ए बराबर जीरो पर क्या बोला है, कॉट ए परिभाषित नहीं होता। कॉट ए बोलता है परिभाषित नहीं होता, तो इसको देख लेते हैं। देखिए अगर टेबल देखें इसमें, है ना, टेबल में भी लिखा हुआ है कि कॉट जीरो डिग्री, कॉट जीरो डिग्री बराबर अपरिभाषित, ठीक ना, परिभाषित है, अपरिभाषित टेबल में भी लिखा हुआ है। मगर अगर इसको हल करना चाहें तो देखते हैं। देखिए कॉट ए बराबर, देखिए कॉट का होता है कॉस ए बटे साइन ए होता है, है ना। अब यहाँ पर जीरो मान रख लेते हैं, कॉस जीरो बटे साइन जीरो, तो कॉस जीरो का मान कितना होता है, ये वन होता है, बटे साइन जीरो का मान जीरो। अब देखिए अगर ये स्थिति आ जाए, एक बटे करके जीरो आए, तो इसी को अपरिभाषित बोलते हैं, है ना, अपरिभाषित, या इसी को अनंत का इस तरह चिन्ह बोलते हैं। तो इस प्रकार ये सत्य हैं, ये सत्य हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली समाप्त हो गई।